हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, राजनाथ सिंह जी ने फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया, मतलब रख दिया है किसका, न्योमा एयरफील्ड नियर एलएसी इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ये राजनाथ सिंह जी वर्चुअली कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूजडे वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्योमा एयरफील्ड इन ईस्टर्न लद्दाख नियर दी एलएसी एंड इनॉग्रेटेड द क्रूशियल नेचिफू टनल ऑन द एक्सेस टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप समझ पा रहे हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे चाइना अपनी हॉस्टिलिटीज़ बढ़ाता रहता है, एक्टिविटीज़ बढ़ाता रहता है, सस्ते नशे करके आ जाता है, मैप में दिखा देता है, वहाँ पे हम लोग अपनी सिक्योरिटी टाइट करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इन ऑल ही इनाग्रेटेड 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिल्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर 2,900 करोड़ अक्रॉस द 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देखते हैं क्या है। विच इंक्लूड द टू रिवैम्प्ड एयरफील्ड्स इन बगडोरा एंड बैरकपुर। बैरकपुर से आपको याद आ रहा है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी है, जिसको लोग बोलते हैं, हम लोग कई बार इसको बोल देते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मंगल पांडे जी ने बैरकपुर से ही स्टार्ट किया था। इन वेस्ट बंगाल 2 हेलीपैड्स 22 रोड एंड 63 ब्रिजेस, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑन दिस 90 प्रोजेक्ट्स 36 आर इन अरुणाचल प्रदेश, 26 इन लद्दाख, 11 इन जम्मू कश्मीर, 5 इन इतना, ये हमारे काम का नहीं है। द न्योमा एयरफील्ड टू बी डेवलप एट अ कॉस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ रुपीज, विच विल बूस्ट एयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख एंड ऑगमेंट द इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटी अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर। तो मतलब वहाँ जो अपना नॉर्दर्न बॉर्डर है, वहाँ पे अपना IAF का रीच कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा, IAF इंडियन एयरफोर्स। द डिफेंस मिनिस्ट्री एक्सक्यूडेड कॉन्फिडेंस दैट द एयरफील्ड विच विल बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वुड प्रूव टू बी गेम चेंजर फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, द स्टेटमेंट सेड। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। वंस कंप्लीटेड इन अबाउट 2 ईयर, द रनवे विल बी एबल टू अकोमोडेट ऑल फाइटर जेट्स ऑफ IAF। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि सुन के अच्छा लग रहा है। चाइना को मज़ा तो चखाना ही है भाई, बहुत कुछ कर रहा है चाइना, तो हम भी डेवलप हो रहे हैं, सोच क्या रहे है? तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है न्योमा एयरफील्ड। न्योमा एयरफील्ड आपका ये अभी आएगा कहाँ पर, आप देखिए, जम्मू के तरफ में, अरे जम्मू कह रहा हूँ, लद्दाख के तरफ में, जो आपका बूस्ट करेगा एयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लद्दाख एयर इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलप होगा आपका, सारे फाइटर जेट्स IAF के उतर पाएंगे। ₹200 करोड़ से बन रहा है, 2 ईयर का टाइम लगेगा बनने में, और ये हमारे क्या करेगा, IAF को हेल्प करेगा अपने सारे फाइटर जेट्स वहाँ पे उतारने के लिए। और IAF की कैपेबिलिटी अलोंग दी नॉर्दर्न बॉर्डर्स, आप देखिए, अगर ये जम्मू कश्मीर में बना रहा हूँ, तो यहाँ पर नॉर्दर्न बॉर्डर है अपना, जहाँ पे चाइना आता है, तो यहाँ पर IAF का अगर ऐसा कोई अड्डा रहे तो मज़ा ही आ जाए। तो उसी के लिए न्योमा एयरफील्ड हो रहा है। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, सुन के अच्छा लगा ये चीज़, एंड आप भी इन लोगों की तरह बहुत मेहनत करिए, वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।